आज का जो फंक्शन है, जो टॉपिक है आज का, वो है फंक्शन ऑफ द किडनी या फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। ये दोनों एक ही लफ्ज़ एक ही टॉपिक में आते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द किडनी या फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक ही टॉपिक है, तो जो आ गया आपने वही लिखना है। अच्छा, तो देखते हैं, किडनी के वैसे दो काम है। नंबर वन, यूरिन को बनाना। पहला काम क्या है उसका? यूरिन को बनाना। दूसरा काम क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। इसे आप बाद में बताते हैं आपको, पहले यूरिन फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है? यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये मैं आपको ये तीन स्टेप्स बताता हूं, डायग्राम जरा देखिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये जो ब्लड है, ब्लड की जो कैपिलरीज है, क्या नाम है इसका जो यहां पर ब्लड की कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है, ग्लोमेरुलस उसको बोलते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड आ जाता है तो प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि खून से कुछ चीजें खून को छोड़कर कहां पर आ जाएगी? बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगी। अब कौन कौन सी चीजें आएंगी ये आपको बताना जरूरी समझता हूं। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो है वो आएंगे, जैसे वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, सब कुछ साल्ट्स ये आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे, ब्लड के अंदर ही रहेंगे। वो क्या क्या है? वो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे यहाँ से, क्योंकि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा है और वो इस कैपिलरीज को पास नहीं कर सकते हैं कि वो ग्लोमेरुलर में आ जाए। अगर रेड ब्लड सेल इधर आ गए तो फिर यूरिन का कलर सुर्ख हो जाता, लेकिन आमतौर पर यूरिन का कलर सुर्ख नहीं है, वो कलरलेस है, थोड़ा बहुत येलोविश होता है वो पिगमेंट्स की वजह से, लेकिन आरबीसी नहीं आती इसमें। अच्छा, तो ये जो पहला स्टेप था ये मुकम्मल हुआ। इसका नाम क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड से प्रेशर के थ्रू चीज़ें अंदर आ गई ग्लोमेरुलर, उसके अंदर ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर। इसमें जरूरी चीज़ें भी हैं, बेकार चीज़ें भी हैं, दोनों इधर पड़ी हुई हैं। अब दूसरा स्टेप का स्टार्ट करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन में यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे। ये जितना भी फ्लूइड आया हुआ है, इस फ्लूइड का अब नाम क्या है? फिल्ट्रेट अब इसको हम लोग कहेंगे। फिल्ट्रेट के अंदर काम की चीज़ें भी है, बेकार चीज़ें भी है। कुछ चीज़ें हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें इनको दोबारा से उठाना होगा, वापस लेना होगा। सो यहाँ से कुछ वाटर इस यूरिन की नाली को से निकल के कहाँ पर जाएंगी? बाहर जाएंगी, क्योंकि अगर ये पानी इधर रहा तो ये पानी ने आखिरकार यूरिन के थ्रू बाहर जाना होगा, वो तो बॉडी से ज़ाया हो गए। लेकिन यहाँ से कुछ वाटर को निकाल दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और यहाँ से कुछ ग्लूकोज को भी निकाल दिया जाता है वापस। दिस इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिर ये जाएंगे कहाँ पर? ये वाटर और ग्लूकोज, ये यहाँ पर खून की नाली भी है, इधर आसपास क्या है? ब्लड वेसल है। तो ये पानी और ग्लूकोज वापस कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? चीजों का ट्यूब्यूल से, इसको क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल से चीजों का ब्लड में आना रीएब्जॉर्प्शन। इसका उलट सोचो, इसका अपोजिट क्या होगा? अगर ब्लड से चीजें आ जाए कहां पर? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, तो फिर इसको क्या कहेंगे? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसको कहेंगे। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मींस यस। अच्छा, ब्लड से क्या चीज आएगा?
ट्यूबुलर से उसमें ट्यूब्यूल में वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जो इधर फिल्टर नहीं हुए थे, मतलब वो इधर से रह गए थे, फिल्टर नहीं हुए थे इधर, तो वो फिर कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से दूसरा चेक पोस्ट है, यहाँ से ब्लड से फिर वो आ जाएंगे, कचरा इधर आ जाएगा आपके रीनाल ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये जो तीसरा स्टेप आपका खत्म हो गया, बस यूरिन रेडी हो गया। अब यहां पर जो पानी आपको इस पाइप के अंदर नजर आ रहा है, उस पानी का नाम क्या है? यूरिन। पहले उसका नाम क्या था? फिल्ट्रेट। अब उसका नाम क्या हुआ? यूरिन। ये यूरिन यहां से फ्लो करता हुआ आखिरकार कहां से निकल जाएगा? आ जाएगा कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहां पे जाएगा, कौन बताएगा? ये रास्ता कहां पे ओपन हुआ है? ओपन इनटू रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में आ जाएगा यूरिन। रेनल पेल्विस फिर कहां पर ओपन हुआ है? यूरेटर के अंदर। यूरेटर में जाएगा। यूरेटर फिर कहां पर ओपन हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कुछ खास टाइम के लिए स्टोर होगा और जब भी इंसान चाहेगा तो फिर उसको बाहर निकाल देगा, जिसको मिक्चोरेशन बोलते हैं। अच्छा, ये था आपका टॉपिक फंक्शन ऑफ द किडनी नेफ्रॉन। इसमें एक और फंक्शन जो मैंने बताया था, किडनी के भाई दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में पानी और साल्ट, ये दो चीज़ें होती है। ये पानी और साल्ट खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों तरफ नुकसान है। अगर ये ज़्यादा हो गए भी नुकसान है, अगर ये कम हो गए भी नुकसान है दोनों। तो किडनी क्या करेगा? किडनी वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन करेगा, ना तो इसको ज़्यादा होने देगा ना इसको कम होने देगा। अगर आपकी जिस्म में पानी कम हो गई तो किडनी उसको दोबारा से ज़्यादा कर देगा, और अगर आपके बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है तो आपका किडनी आपके जिस्म से पानी को निकाल देगा। तो ये कौन सा फंक्शन है? ऑस्मो रेगुलेशन। लिखा हुआ है क्या? मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन साल्ट इन द बॉडी। ये था ऑस्मो रेगुलेशन। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर आपने देखा, आप किडनी का फंक्शन आपने देखा। अगर किडनी ये फंक्शन में नाकाम हुए, जैसे आपको मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी प्रोसेस में वो ना हो सके किडनी से, तो हम कहेंगे कि किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल होने का मतलब क्या है? खून का साफ करने में नाकाम हो जाना। ब्लड इज अनएबल टू क्लियर, किडनी इज अनएबल टू क्लियर द ब्लड। किडनी के अंदर वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि ब्लड को साफ करे। तो ऐसे केस में किडनी को हम लोग बोलेंगे कि किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गया है तो उससे इंसान मर सकता है, ठीक है। इसका इलाज जरूरी है। इलाज उसका क्या है? इलाज है उसका डायलिसिस, ठीक है। जो किडनी के बाद इलाज किया जाता है, पहला इलाज जो है वो डायलिसिस है। आखिरी स्टेज में जो इलाज है, आखिरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, अच्छा, ये बाद। डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में हम खून को एक आर्टिफिशियल गुर्दे से पास करते हैं। एक तो इंसान के अंदर कुदरती गुर्दा है, किडनी है, लेकिन हमारे पास एक कुदरती गुर्दे की तरह का मशीन है जिससे हम खून को साफ करेंगे। उस मस्नूई गुर्दे का नाम है डायलाइजर मशीन। क्या मना नाम है उसका? डायलाइजर मशीन। डायलाइजर मशीन की मदद से हम लोग खून को साफ करेंगे। अब डायलाइजर दो तरह के हैं, एक हेमोडायलाइसिस, एक पेरिटोनियल डायलाइसिस। दोनों गुर्दे का इलाज है, डायलाइसिस के टाइप्स है। हेमोडायलाइसिस में हम क्या करते हैं, ये पेशेंट है, मरीज है, इसके जिस्म से खून को एक पाइप के जरिए लेके जाते हैं
डायलाइजर मशीन की तरफ। डायलाइजर मशीन बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जो मैं आपको ड्रा नहीं करूँगा, लेकिन डायलाइजर मशीन के अंदर जो जो काम की चीज़ है, जो आपका खून साफ करता है, उसका डायग्राम मैंने शो किया हुआ है। तो उस डायलाइजर मशीन के अंदर एक डब्बा पड़ा हुआ है, उस डब्बे के अंदर बीच में एक पर्दा है, बिल्कुल दरमियान में एक पर्दा है, और उस पर्दे के एक तरफ डायलाइजर फ्लूइड है, दूसरी तरफ ब्लड है। तो जब आप ब्लड को ले जाओगे, ब्लड को किस चीज़ के थ्रू ले जाओगे, जिस्म से आर्टरी के थ्रू ले जाओगे, ब्लड इधर आएगा। जाहिर है आपके ब्लड के अंदर कचरा है, वैस प्रोडक्ट है, राइट, वो सारी चीज़ें हैं। तो लेट सपोज ब्लड के अंदर मेनली कौन सा कचरा है जो आपको याद है, ब्लड के अंदर मेनली कौन सा वैस प्रोडक्ट होता है? नाइट्रोजनस वैस प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वैस प्रोडक्ट में यूरिया। तो ये लेट सपोज ये क्या चीज़ है, ये ब्लड के अंदर यूरिया शामिल है। तो इस फ्लूइड की कमाल का एक स्पेशलिटी है कि ये फ्लूइड सेलेक्टिवली कचरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो यूरिया है वो इस पर्दे को क्रॉस करके कहाँ पर आ जाएगा, डायलाइजर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। कचरा खुद ब खुद खून से चला जाएगा और जो साफ खून है वो वापस इंसान के बॉडी में एक और पाइप के जरिए लाएंगे, एक और पाइप के जरिए इंसान की बॉडी में लाएंगे और कहाँ किस फिर किस में शामिल कर देंगे, वेन में। आर्टरी के अंदर चूंकि प्रेशर होता है तो आर्टरी की मदद से ब्लड को ले जाना होगा, वापसी पर वेन में लगाना होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसा ना हो गलती से आप लोग जो है वो आर्टरी में खून को ले जाओ भी आर्टरी से, वापसी पर भी आर्टरी में ही डालोगे तो ये नुकसान होगा। सर अगर एक आर्टरी से ले जाए और दूसरी आर्टरी में ले जाए तो? नहीं, उस तरह से नहीं हो सकता, वो प्रेशर है ना, वो उसको नहीं ले आएगा। दूसरी आर्टरी तो प्रेशर है तो वो आने वाले ब्लड को तो आप और धक्का दे रहे होंगे, ब्लड कैसे आएगा? जो ब्लड आप बॉडी से लेके जा रहे हो उसको प्रेशर वाले आर्टरी से कनेक्ट करता है कि वो ब्लड को लेके जाए, वापसी पर तो उसको वेलकम करना चाहिए। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 टाइम लगाना होगा वीक में, फिर डिफर करता है मुख्तलिफ पेशेंट, बाज़ा 3 महीने में एक बार कर दिया जाए, लेकिन मोस्टली 2 से 3 2 to 3 times 1 week में, या 1 week में एक बार भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है लेकिन टाइमिंग जो है उसका 4 से 5 घंटे, 4 to 5 hours में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। दूसरा डायलिसिस कौन सा है? पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम लोग कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये वाला जो पानी है डायलाइजर फ्लूइड, इसको उठा के पेशेंट के पेट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पेट के अंदर जो एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है? पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। अब मैंने वो कैविटी आपके लिए लिखा हुआ है। ये दरअसल आपका पेट का डायग्राम है, एक पर्दा उस तरफ है, उसको एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। बाहर की तरफ जो पर्दा है उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल वॉल। अंदर की तरफ, पेट के अंदर की तरफ जो वॉल, इसको क्या बोलते हैं? गट वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल और गट वॉल के दरमियान एक स्पेस है, उस स्पेस का नाम क्या है? पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा, इस कैविटी की एक सबसे बड़ी वो करैक्टर ये है कि इस कैविटी में मोस्टली इंसान के जिस्म से मुख्तलिफ इलाकों से ब्लड जो है वो यहाँ पर आया हुआ होता है। ब्लड सप्लाई इधर काफ़ी ज़्यादा है, खून की सप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो डायलाइजर फ्लूइड है उसको यहाँ पर डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये डायलाइजर फ्लूइड क्या करेगा, खून से कचरे को खुद सक करेंगे, ले लेंगे, खून से कचरा सारा का सारा इधर आ जाएगा और खून खुद ब खुद साफ होता जाएगा। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ये, चूंकि ये पानी आपके पेट के अंदर है, तो इस पानी को दोबारा से हम लोग उठा लेते हैं, फेंक देंगे इसको, इंजेक्ट करके वापस, इंजेक्शन की जरूरत सक करके वापस फेंक देते हैं जब ये पुराना हो जाता है। फिर इसकी जगह क्या क्या करते हैं, नया डायलाइजर फ्लूइड फिर डाल देते हैं। तो इसका नाम क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस। द डायलाइजर फ्लूइड इज इंजेक्टेड इन टू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस्म के अक्सर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सब बहुत सारा खून इधर आता है, ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ अड्डे यूज़ होते हैं जब बहुत सारे बसेज आते हैं, ठीक है, खास जगह अड्डे, एक किसी अड्डे को जाना होगा आपको, नया अड्डा है, पुराना अड्डा है, उधर बसेज ज़्यादा आते हैं। तो आपकी बॉडी में ये जो पेरिटोनियल कैविटी, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत सारे खून की नालियाँ हैं,
तो हम इस तरह से डायलिसिस करते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है अगर आपका किडनी डायलाइजर से भी काम नहीं कर सकता, डायलाइजर से भी ठीक ठाक नहीं हो सकता, फिर आप किडनी को ट्रांसप्लांट करोगे। किडनी ट्रांसप्लांट मींस कि आप किसी दूसरे शख्स से किडनी उठा के अपने बॉडी के अंदर आप डाल दें, पर उसके लिए भी बहुत एहतियात करना होगा। अगर एक शख्स की किडनी आपके जिस्म के साथ मैच नहीं हुई तो वो रिजेक्ट कर देगा उसको, आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो पहले मैच करते ही अक्सर रिश्तेदारों में ही मैच हो जाती है, अपने रिश्तेदार में ही मैच हो जाती है कि भाई अच्छा इसकी किडनी के साथ मैच हो गई। पहले तो लोग किडनी नहीं देते हैं, फिर जब कोई बंदा किडनी देने के लिए राज़ी हो जाए फिर उसके साथ मैच करना पड़ता है, अगर मैच नहीं हुआ किडनी का लेना फालतू होगा। सो लास्ट टॉपिक है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, गुर्दे के अंदर पत्थर बन जाते हैं। अच्छा, ये वो वाले पत्थर नहीं जो रोड पर आपने देखा था, पत्थर एज अ किडनी स्टोन दरअसल एक अलग चीज़ है, ठीक है, और मोस्टली उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन। मोस्टली पत्थर जो होता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन। ये पत्थर अक्सर आपकी गुर्दे में बन जाते हैं। गुर्दे में कहाँ पे बन जाते हैं, ये आपका किडनी है, ये क्या चीज़ है, कौन सा इलाका था, रिनल पेल्विस है। रिनल पेल्विस के अंदर जो है मोस्टली आपका स्टोन बन जाता है, स्टोन। ये स्टोन यहाँ पर आकर मोस्टली इस पाइप को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और वो दर्द ऐसा है कि एक जगह पे होता नहीं है, वो दर्द फैलता हुआ नज़र आएगा आपको, लेग की तरफ, एब्डोमेन की तरफ, ऊपर की तरफ आता हुआ, बहुत ही शदीद सीवियर पेन होता है किडनी स्टोन का। तो इसका इलाज क्या है, या तो ये निकल जाता है, बाज़ लोगों में खुद ब खुद ही पत्थर निकल जाता है, बाज़ लोगों में इसको ऑपरेशन करके पत्थर निकाला जाता है, बट अब से क्या हुआ है कि पत्थर को ऑपरेशन के जरिए नहीं निकालते हैं, पत्थर को इधरी तोड़ देते हैं। एक पावरफुल रेज होती है, जैसे आपने सुना था लेज़र ऑपरेशन, पावरफुल रेज होती है, वेव्स होती है, जैसे आपने 10th के फिजिक्स में पढ़ा होगा वेव्स चैप्टर में, वहाँ पर वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो वेव्स नज़र नहीं आती है, वो वेव्स आकर इस पत्थर को क्या करेगा, इधरी छोटे छोटे जर्रात में कन्वर्ट कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा इस पत्थर को यहाँ पर। अब ये छोटे छोटे जर्रे जो है ये यूरिन के थ्रू जो है निकाल दिए जाएंगे। इस इलाज को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, बगैर ऑपरेशन के पत्थर का तोड़ देना लिथोट्रिप्सी कहलाते हैं, और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म। थैंक यू।